हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपशिखा। वेलकम टू माय चैनल यूमी एंड फूड। आज मैं बनाने जा रही हूं भरवा टिंडे की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी, जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और ऐसी सब्जी अगर आपने एक बार खा ली तो रोज़ रोज़ आपका ऐसी सब्जी खाने का मन करेगा। तो चलिए आइए रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी इतनी अच्छी रेसिपी को जान सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग रेसिपी जल्दी आती रहेंगी। और साथ ही में बेल आइकन भी दिया हुआ है, उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि अगली आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आइए रेसिपी शुरू करते हैं। टिंडे की भरवा सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम टिंडे लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से छील लिया है और धोकर ले लिया है। साथ ही मैंने दो मीडियम साइज के प्याज को रफली काट कर ले लिया है, और 7-8 कली मैंने लहसुन लिया है, आधी इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, और 1 हरी मिर्ची ली है। और प्याज और इन सब चीज़ों को मिलाकर हमें इसका पेस्ट बनाना है। और गार्निश करने के लिए मैंने लिया है हरा धनिया, और मसालों में हमने लिया है 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और अमचूर पाउडर। तो चलिए आइए भरवा टिंडे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये प्याज और अदरक लहसुन हरी मिर्ची को मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। ये मैंने प्याज का पेस्ट जो है वो बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा अमचूर पाउडर। और इन सब मसालों को अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा प्याज का पेस्ट जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम सारे टिंडों में क्रॉस कट लगाकर तैयार करेंगे। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से कट लगाना है। एक तरफ से इस तरफ से कट लगाना है, और फिर इसकी डायरेक्शन चेंज करके दूसरी तरफ से इस तरह से कट लगाना है। इस तरह मैं अपने सारे टिंडे जो है वो कट लगाकर तैयार कर लेती हूँ। ये सारे टिंडे जो है वो कट लगाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। और अब हम इस कट के अंदर ये जो हमने मसाला बना के रखा था, इसे हम चम्मच की हेल्प से फिलिंग कर देंगे अच्छे से। और इस तरह के भरवा टिंडे बनाने के लिए आप थोड़े मीडियम साइज टिंडे लीजिए, ज़्यादा बड़े टिंडे इसमें अच्छे नहीं लगते। और इस तरह से हम सारे टिंडों में मसाला भरकर तैयार कर लेते हैं। ये मैंने सारे टिंडे जो हैं वो इस तरह से मसाला भरकर तैयार कर लिए हैं, और जो मसाला बच गया है उसे हम सब्जी बनाने में यूज़ करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी सब्जी किस तरह से बनानी है। सबसे पहले हमें कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे, और तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। मैं सब्जी बनाने के लिए सरसों के तेल का यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए इसे बहुत अच्छे से गर्म करना है। तेल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म हो गया, और गर्म तेल में मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची, तो इससे कलर जो है वो सब्जी का बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे मसाला जो हमारा बच गया था, और इस मसाले को हम 4 से 5 मिनट तक, जब तक ये अच्छे से भुन जाता है और तेल छोड़ने लगता है, तब तक हम इसे भुन कर तैयार कर लेते हैं। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और इसमें से तेल निकलने लग गया है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें एक एक करके अपने सारे टिंडे डाल देंगे जो हमने मसाला भर के रखे थे। और इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 कप पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा पानी डालिए कि टिंडे जो हैं वो चिपके नहीं। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब कुकर के ढक्कन को बंद करके इसे हम 3 सीटी आने तक पका लेंगे। कुकर के प्रेशर को हमने ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने दिया है, और अब हम कुकर को खोल के चेक कर लेते हैं। और टिंडे को इस तरह से आप हल्का सा दबा कर देखिए, टिंडे जो हैं वो बहुत ही अच्छे पक गए हैं। और इसमें मैं डाल लेती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, और इस तरह से ये हमारी मसालेदार भरवा टिंडे की सब्जी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। और इसे मैं सर्व कर लेती हूँ, और बहुत ही अच्छी ये सब्जी बनी है। अगर आपने एक बार ये सब्जी खा ली तो आपको हमेशा इसी तरीके से ही सब्जी बनाएंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।